स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है एनईडी का जो टेस्ट डे वन था उसमें जो केमिस्ट्री के पोर्शन के एमसीक्यूज आए थे, मैं आपको वो सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लास्ट में सब्सक्राइब करें ताकि जो है आपको तमाम वीडियोज मिल सके। बेटा, एमसीक्यूज नंबर वन क्या है कि आर एस एच जो है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर। आपको पहले आर एस एच का नाम पता होना चाहिए और इसके दो नेम है, एक आपके पास है थायोल, ठीक है। अब सेकंड नेम इसका क्या है, मैर कैप्टन। बेटा इसको अपने पास नोट डाउन कर लो, आपसे नेम भी पूछ सकता है। अब आपने बताना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसके अंदर। एस एच जो है ना आपके पास, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, सेल्फ हाइड्रल। बेटा ये आपके पास ऑप्शन में ये वाला गिवन होगा तो आपने इसके ऊपर जो है टिक लगा देना है। आपका एमसीक्यूज तो ये था। सेकंड एमसीक्यूज की बात करते हैं कि C2H4O2 को जो है हम लोग क्या कहते हैं। बेटा अगर आप इसके ऊपर गौर करो कि आपके पास C जो है इसके अंदर दो गिवन है, H आपके पास चार है, ऑक्सीजन आपके पास दो है, तो आपके पास किस चीज का फॉर्मूला है। अगर आप एसिटिक एसिड लिखो CH3COOH, इसमें देखो आपके पास कार्बन कितने हैं, दो कार्बन है आपके पास, हाइड्रोजन कितने हैं, चार हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, दो। तो मतलब ये चीज आपके पास क्या चीज गिवन है, ये आपके पास एसिटिक एसिड गिवन है। बस थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए जो है इस तरह लिख के दे दिया उन लोगों ने, ठीक है। अब ये ना आप टेस्ट देने जाए, आप बोले सर एसिटिक एसिड का तो ऑप्शन ही नहीं था। बेटा अगर एसिटिक एसिड का ऑप्शन नहीं था तो उसकी जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा इथानोइक एसिड, ये भी आपके पास एसिटिक एसिड ही होता है, ठीक है। या उसके अलावा आपके पास लिखा होगा वाइनगर एसिड, तो ये भी जो है एसिटिक एसिड के ही नेम है। बेटा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एमसीक्यू नंबर थ्री की तरफ मूव करते हैं कि भाई जिस जेलियम है, जेलियम ये एलिमेंट जो है कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, आपको ये बताना है। तो जेलियम जो है हमारे पास ग्रुप 3A जो है ना हमारे पास, उसके एलिमेंट में जो है बिलोंग करता है, तो आपके पास ग्रुप 3A जो है राइट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर फोर की बात करते हैं, आपसे पूछा जाएगा भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है एक्टिनाइड और लेंथेनाइड सीरीज के अंदर कितने कितने होते हैं। बेटा इसके अंदर भी 15 एलिमेंट्स होते हैं और इसके अंदर भी 15 एलिमेंट्स होते हैं, दोनों के अंदर कितने होते हैं 15 एलिमेंट्स। अगर वो दोनों को मिला के पूछे तो आप 30 भी क्लिक राइट आंसर लगाएंगे। अब एक और सवाल कि एंथेनाइड और लेंथेनाइड जो सीरीज है ये कौन से ब्लॉक में आती है, तो बेटा ये दोनों जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, जिसके अंदर आते हैं एफ ब्लॉक के अंदर, तो आप इसको अपने पास नोट डाउन कर लें। एमसीक्यू नंबर फाइव कि भाई कौन सा एसिड है जो कि प्रेजेंट होता है लेमन जूस के अंदर, तो हमारे पास उस एसिड का नेम क्या है, सिट्रिक एसिड। इसको आप अपने पास नोट डाउन कर लो, जो मेजर जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है लेमन के अंदर उसको हम लोग कहते हैं सिट्रिक एसिड, ठीक है। आपके पास ये वाला जो है राइट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर सिक्स की बात करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो बेटा आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म पता होगी, पीवीसी कहते हैं इसको, ठीक है। तो बेटा ये जो है आपके पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की जो है एग्जाम्पल है, किसकी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, ठीक है। यहां तो उसने आपसे पूछा है पीवीसी के बारे में, अगर वो आपसे बोलता कि पॉलीथीन, तो पॉलीथीन भी जो है आपके पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की जो है एग्जाम्पल होती है, तो दोनों जो है आपसे पूछ सकता है। बाकी इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, बेटा मेडिकल के अंदर यूज हो रहा होता है, पाइप्स के अंदर यूज हो रहा होता है, तो मैंने आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे दिया, ठीक है। एमसीक्यू नंबर सेवन की बात करते हैं कि NaOH को हम लोग क्या कहते हैं। बेटा बहुत ही सिंपल एमसीक्यू आया था, आप लोगों को पता होगा आई होप। एक तो उसका नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक तो नेम इसका ये था। इसका एक और नाम भी है जो कि बच्चों को बहुत दफा नहीं पता होता इसके बारे में, और वो नेम जो है कास्टिक सोडा, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन भी जो है वहां पर हो सकता है। एमसीक्यू नंबर एट की बात करते हैं कि एल्काइल हैलाइड्स अगर रिएक्ट कर रहा है मेटालिक सोडियम से तो क्या चीज प्रोड्यूस होगी हमारे पास। यहाँ पर ड्राई ईथर क्या है, ये एक कैटलिस्ट है जो कि यहाँ पर यूज किया जा रहा है, इस रिएक्शन के अंदर यूज किया जा रहा है, तो मैं आपको रिएक्शन की हेल्प से जो है समझाऊंगा। अब मैं रिएक्शन करवाता हूं एल्काइल हैलाइड का किसके साथ, सोडियम के साथ, और इसके अंदर मेरे पास जो कैटलिस्ट है वो है मेरे पास ड्राई ईथर है, ठीक है बेटा। अब आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना वो देखो, अब इसमें सिंगल आ रही है तो आपको पता चले कि एल्केन है, एल्केन के जो है मतलब फैमिली बन रही है, ठीक है। 2RX
और 2n आप बैलेंस करने के लिए लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है NaX, ठीक है बेटा, ये आपके पास रिएक्शन होके आएगा। आपके ऑप्शन क्या है, एल्केन्स विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, एल्केन्स विद डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, या फिर एल्कीन्स और एल्कीन्स विद ट्रिपल और लिखा हुआ, ठीक है। अब आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं ना, उसमें जो आपका अल्केन आया है वो उसके अंदर डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, कितने हैं, डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम, तो आपके पास बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 9 की बात करते हैं, ये कीटोन्स और एल्डिहाइड्स है ये क्या है। पहली बात तो ये दोनों जो है ये फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही आते हैं, ठीक है। इसमें सिमिलैरिटीज क्या होती है वो भी आपसे पूछी भी होंगी, मैं इसका आपको स्ट्रक्चर जो है बना के समझाता हूँ। ये मेरे पास कार्बन है और ये मेरे पास ये, और सबसे पहले जो है मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कीटोन का, ठीक है, ये मैंने बना दिया। इसके बाद जो है सेकंड बनाता हूँ मैं, अब आपने ऑब्जर्व क्या करना है उस चीज को देखते हैं। ये जो है मैंने दोनों बना दिए, ये जो है आपके पास एल्डिहाइड का है और ये जो है आपके पास कीटोन का है, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर जो एक चीज कॉमन है वो है कार्बोनाइल ग्रुप, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये जो है आपके पास यह है सेम है। इसका क्या मतलब है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है कीटोन और एल्डिहाइड के अंदर जो है सिमिलर होता है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास एमसीक्यू जो है पूछा जा सकता है। आगे 10 एमसीक्यू की बात करते हैं कि हेमोग्लोबिन जो है ये क्या चीज है भाई। तो बेटा ये जो है आपके पास प्रोटीन है जो कि आपके ब्लड को जो है रेड बनाती है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास ऑप्शन प्रोटीन का दिवन होगा, तो आपने उसके ऊपर जो है मार्क कर देना है। बाकी ये होता किस चीज के लिए है कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, ठीक है बेटा। तो ये जो है इसका मैंने आपको समझा दिया। और एमसीक्यू नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं कि C6H14 के अंदर जो है कितने नंबर ऑफ पॉसिबल जो है आपके पास आइसोमर्स बन सकते हैं, आपने ये बताना है। सबसे पहले जो आपने देखने के C6H14 है क्या, ये आपके पास गिवन है, हेक्सेन गिवन है, ठीक है। इसके टोटल जो पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं वो टोटल 5 बन सकते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, एक आपके पास बन सकता है 2-methyl pentane बन सकता है, और एक जो है आपके पास हेक्सेन बन सकता है, और उसके अलावा आप 3-methyl pentane भी बना सकते हैं। ये फिर आप ब्रांच वगैरह चेंज कर रहे होते तो आपके पास जो उसका IUPC नेम जो है वो चेंज हो रहा होता है, तो इससे आपके आइसोमर्स जो है इंक्रीज हो रहे होते हैं। एक बन सकता है 2,3-dimethyl butane, ये सारे इसके आइसोमर्स के मैं नेम बता रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा। और यहाँ जो है आपके पास डायमिथाइल ब्यूटेन, सही है। तो आई होप आपको ये एमसीक्यू समझ में आया होगा। एमसीक्यू नंबर 11 की बात करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। मतलब बहुत ही सिंपल चीज पूछी इसने आपसे। आयनिक बॉन्ड आपको पता है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान में बनता है, ठीक है। तो ये आपको आयनिक बॉन्ड पे क्लिक करना होगा। अच्छा, आयनिक बॉन्ड का एक और नेम भी होता है, तो उसका नेम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अगर आपके पास आयनिक बॉन्ड का ऑप्शन नहीं है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का ऑप्शन है, तो आपने इसके ऊपर मार्क करना है। एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है अल्कलाई मेटल्स का। अल्कलाई मेटल्स कौन से होते हैं, ग्रुप 1A के जो होते हैं, ठीक है बेटा। अब ग्रुप 1A के जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और जो कि वो लूज कर देता है, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो किसके बराबर होता है, +1 के बराबर होता है, ठीक है। तो आपके पास जो राइट आंसर होगा +1 होगा। एमसीक्यू नंबर 13 की बात करते हैं कि ग्रुप 3 के अंदर जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है। तो बेटा एल्यूमिनियम जो होता है ना आपके पास, ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ग्रुप 3A का। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको केमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करवाया जो कि 30 जुलाई को जो टेस्ट हुआ था NED का, उसके अंदर आए थे। तो आई होप आपको ये एमसीक्यू समझ में आए होंगे, इंशाल्लाह जो है ये आगे रिपीट भी होंगे। इसकी लास्ट में प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों के साथ जो है लास्ट में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब नॉलेज पूल फॉर मोर वीडियोज़।